हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? आज की जो वीडियो है उसमें मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ और वो प्रोडक्ट है हमारा किचन से रिलेटेड। और इस प्रोडक्ट को देखकर सभी फीमेल्स बहुत खुश होने वाली हैं। फीमेल्स तो नहीं मैं कहूँगी, बल्कि जो मेल है हमारे वो भी खुश होने वाले हैं, क्योंकि इसका सिस्टम इतना ईजी है ना कि इसको मेल फीमेल भी इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एंड यस, इसका नाम है रोबो कुक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा ये नया इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। तो इसका मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है, मैंने इसमें रेसिपीज़ बनाई हैं। आपको अगर याद होती, मुझे कुछ दिन पहले रिसीव हुआ था, मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बारे में भी आपसे शेयर करूँगी। तो यस, इसको मैंने कर लिया है ट्राई और बहुत ही अच्छा रहा है इसका एक्सपीरियंस। एंड इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर आप अपने किचन के लिए कुछ लेने का सोच रहे हैं तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर लें। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी रहा, बहुत अमेजिंग रहा है। एंड यस, ये है एक 11-in-1 फंक्शन वाला प्रेशर कुकर। इसमें आपके फ्राइंग, बेकिंग, स्टीमिंग काफ़ी सारे फंक्शन इसमें हो जाते हैं। तो एक इस तरह का कुकर है। और अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँगी ना, तो आप खुद ही इसको देखकर इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि आई थिंक आप इसको खरीदने से रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा गीक रोबो कुक का इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसका साइज़ क्या है और इसका जो आपका मॉडल नंबर होता है वो सब क्या है। और इसको मैंने पहले ही खोल लिया था, लेकिन हाँ, मैंने फिर जस्ट दोबारा इसमें रख दिया था। तो अभी मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो खोलने पर ये मतलब अच्छी तरह से पैक हुआ आया था। इसके ऊपर जो आपके होते थर्मोकोल की जो कवरिंग होती है वो सब थी, वो सब मैंने निकाल के रखी हुई है। ठीक है, लेकिन अच्छे से पैक था। तो वो सब हटाने के बाद वो मैंने दोबारा एडजस्ट नहीं किया, जिसमें सीधा आपको कुकर दिखा देती हूँ। तो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, फिर अच्छे से आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह का है देखने में। ठीक है, और यहाँ पर पहले इसका जो मेन्यू है इसको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको अलग अलग दिखे हुए हैं बटन्स। तो इसमें ऑन ऑफ लिखा हुआ है, इसकी स्क्रीन है, इसमें शो होता रहता है टाइमिंग। ये कीप वार्म, डिले, टाइमर से ये हेल्प मिल जाती है कि अगर आपको कुछ देर बाद स्टार्ट करनी है प्रोसेसिंग तो आप एक सेट कर सकते हो टाइमिंग। दाल, सांभर, पोंगल, राइस, पुलाव, मीट, चिकन, फिश, सभी के ऑप्शन हैं इसमें। और ये प्लस माइनस से आप टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इनको आपको सिर्फ यहीं से सेट करना है सब कुछ। सारे ऑप्शंस आई थिंक बहुत इजी हैं। और ये है आपका, जैसे आपके जो सिंपल कुकर होता है उसमें सीटी के लिए अलग से कोई बटन नहीं होता, इसमें ये है। आप इसको हैंड से कर सकते हैं। तो जब हम खाना बनाते हैं इसको पीछे रखना होता है, और जब इसमें जो इसका जो प्रेशर होता है उसको रिलीज़ करने के लिए उसको आगे करना पड़ता है। तो अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली थी हमें। तो इस कुकर के साथ एक तो आई थी आपकी रेसिपी बुकलेट, इसके अंदर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, सबको किस तरह से बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और इसके अंदर कैसे बनाना है, कितने टाइम के लिए क्या चीज़ सेट करनी है, सब कुछ अच्छे से मेंशन है। ठीक है, तो इससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा किस चीज़ के लिए बनाने के मैं कितना टाइम सेट करूँ, सब कुछ इजीली अवेलेबल है, क्या ऑप्शन होना चाहिए। और ये एक अलग से कार्ड था, इस पर लिखा हुआ है 2 साल की वारंटी मिल जाती है आपको इसके साथ। और इस पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी और भी अगर आपको कुछ पूछना है। और साथ में ये इसका मैनुअल है, मैनुअल में भी इसके हर एक पार्ट के बारे में अच्छे से बताया हुआ है कि कौन सा पार्ट क्या है, कहाँ अटैच करना है, किस तरह से यूज़ करना है। और सबसे बड़ी खास बात, जो जो कस्टमर्स को दिक्कतें होती हैं कि शायद उनको इस दिक्कत को फेस करना पड़े या ऐसा कुछ उन पर ना करना है, अपने अकॉर्डिंग इसमें वो सब आइडियाज़ भी दिए हुए हैं, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये क्या है, जैसे ये जो इसमें बर्तन है वो गर्म हो जाएगा तो उसको निकालने के लिए साथ में आपको ये भी मिल जाते हैं, तो आपको इनको यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये इसकी कॉर्ड है जिससे आप इसको अटैच करेंगे अपने स्विच बोर्ड से। और एक स्पैचुला मिला था, और ये है साथ में एक मेजरिंग कप। ठीक है, तो ये सारा सामान इसके साथ मिल गया है। और अब मैं आपको जो हमारा मेन कुकर है उसको दिखा देती हूँ। इसके अंदर इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर की है, और ये बर्तन इस तरह से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का है, और इस पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, हाफ, 2/3 पार्ट, सब कुछ इसमें अच्छे से मेंशन है। इसके अकॉर्डिंग जो आपकी रेसिपी बुक है ना उसमें भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सब कुछ इसमें अच्छे से लिखा हुआ है। और ये इसको हटाने के बाद ये जो हमारा बेस है ये इस तरह का है इस कुकर का, जो कि काम करने वाला है हीटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं इसको वापस रख देती हूँ और आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपी कि हमने इसमें क्या बनाया था। तो सबसे पहले हमने इसमें बनाए थे मीठे जवे, जिनको वर्मिसले भी बोलते हैं। तो जो कॉर्ड अटैच करने के बाद हमने स्विच ऑन कर दिया था, और यहाँ से भी ऑन कर दिया था, और फिर इसमें बटन प्रेस किया है सोटे वाला, तो सोटे को हमने कर दिया है प्रेस। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच घी डाल दूँगी।
अब 2 चम्मच घी डालने के बाद कुछ बादाम डाल दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ बादाम डाली और इनको भून लूँगी। और फिर इनको भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड किए 1 बड़ा कप वर्मीसेली, ठीक है। तो हम इनको 1 मिनट के लिए हम इनको भूनेंगे। देखिए इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे घी में, ठीक है। और फिर इनको फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड किया है मैंने 1 लीटर अमूल फुल क्रीम दूध, ठीक है। ऐसी चीज़ों में जब आप फुल क्रीम मिल्क यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दूध ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। और इसमें यहाँ पे मैंने ऐड की है कुछ किशमिश और चिरौंजी। ये भी बहुत टेस्टी लगती हैं कोई भी आप मीठी चीज़ बना रहे होते हैं, जैसे इसमें जैसे दूध की खीर या सेवैया वगैरह, तो अच्छा लगता है। और ये मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है 2 चम्मच। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है नहीं डालना आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर शुगर ऐड की है स्वाद के अनुसार। तो बस जो हमारे इन्ग्रीडियंट्स है वो मैंने डाल दिए हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये जो कुकर है इसका हैंडल हम इसको लगा देंगे, मतलब ढक्कन बंद कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और वो जो ये वाला जो बटन है इसको हमने पीछे ही रखना है, ठीक है, क्योंकि हमको जो प्रेशर है वो रिलीज़ नहीं करना है। और अभी तक तो ये जो सारी चीज़ें होती है उसमें बटन प्रेस था सोटे का, अब उसको कैंसिल करके हम जो हमारा सांभर वाला ऑप्शन है ना उसको कर देंगे क्लिक, क्योंकि स्पेशली इसके लिए तो नहीं है ना, लेकिन हम सांभर वाला कर सकते हैं प्रेस। और इसमें 8 मिनट की टाइमिंग सेट होके आ चुकी है। और इस तरह से ये जो हो रहा है ना स्क्रीन में, इट मीन्स अंदर काम चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, आपका खाना बन रहा है, ठीक है। और जब इसका टाइमिंग पूरा हो जाता है ना तो एक बीप की साउंड आती है, तो उससे हो जाता है कि आपका टाइमिंग कंप्लीट हो गया है और आपका खाना बनकर तैयार हो चुका है जो भी आपने बनने के लिए रखा है। तो उसके बाद क्या है कि आपको ये खाना थोड़ी देर बाद में अगर इसका ढक्कन खोलना है तो आप ये जो ऑप्शन दिया गया है कीप वार्म, तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है इंस्टेंटली आपने जो इसकी लिड है वो ओपन करनी है, जैसे अब हमारे तो ये थी मीठे जवे हैं, तो इनको ज़्यादा देर रखने से ये और ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं ना, तो इनको ज़्यादा देर नहीं रखना है। तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे, तो इसकी जो नंबरिंग है वो बंद हो जाएगी। और जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच है उसको भी ऑफ़ कर दीजिए। और हाँ, जो इसमें स्टीम क्रिएट हुई है ना हम उसको रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि अब उतना स्टीम इसको अंदर रोकने की ज़रूरत नहीं है। जो जवे हैं बहुत इजीली बन जाते हैं ना, तो हो गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने वो रिलीज़ कर दी थी इसकी स्टीम। तो फ्रेंड्स हमने इसकी स्टीम रिलीज़ कर दी, अब इसका ढक्कन खोल देंगे और जो हमारा खाना है वो बनकर तैयार हो चुका है। हमने मीठे जवे बनाए और अब आप देख सकते हैं कि वो बनकर तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो बस हमारी रेसिपी इतनी आसान तरीके से बंद हो गई है, कोई गैस वगैरह हमें वैसे यूज़ नहीं करनी पड़ी। बस सब कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके बैठ गए, डाल दिया और बस स्विच ऑन किया और बन गया। तो हमारे जवे तो बहुत अच्छे से बन चुके हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं आपको बताऊँगी इसका ढक्कन बंद और खोलना कैसे करना है, ये चीज़ मुझसे रह गई थी। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, एक तरफ क्लोज़ एक तरफ ओपन। तो ये जो एरो है ना, जो आपका ढक्कन है उसमें एरो जब इसके ऊपर रहेगा क्लोज़ के ऊपर, तो दैट मीन्स ये बंद हो चुका है। और जब ये एरो ओपन के ऊपर रहेगा थोड़ा सा घुमा देंगे तो तभी ओपन हो जाएगा। तो इसको बस बहुत आसान है बंद करना खोलना, ठीक है। तो अभी देखिए एक क्लोज़ के ऊपर तो मैं उठा रही हूँ, ये नहीं खुल रहा है, ठीक है। और जब हम इसको मूव कर देंगे ओपन पे तो ये देखिएगा इजीली खुल जाता है। तो ये बहुत ही आसानी से इसका सिस्टम है, आसानी से बंद कर सकते खोल सकते हैं। एंड यस, इसका ये जो कवर है ऊपर का, ये भी आपको साफ़ करने के लिए निकालना होता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। इस तरह से जो जिसको मैं पुल कर रही हूँ ना उसको खींचते हैं तो निकल जाती है ये लिड। जैसे खाना बनने के बाद थोड़ा बहुत अगर इसमें कुछ लग जाता है तो आप साफ़ कर सकते हैं। मेरे भी एक हाथ में फ़ोन था तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा ज़ोर से मैंने नहीं खींचा था, लेकिन ईजिली निकल आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने भी इसका रिव्यू किया और इसके अंदर रेसिपी भी आपके साथ शेयर की। तो आपने देखा होगा इसको बनाना बहुत ही आसान है, मतलब इसके अंदर कोई भी रेसिपी बनाना बहुत ही ईजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से सब कुछ मैनेज हो जाता है। यस, आपने एक चीज़ देखी होगी, आज मैं अपने किचन में नहीं हूँ, मैंने किचन में खड़े होकर कुकिंग नहीं की है, मैंने अपने इस रूम में यहाँ पर इसको टेबल पर रखकर कुकिंग की है। तो इसी तरह से आप भी इसको उठाकर कहीं भी रख सकते हैं जहाँ आपको कुकिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि किचन में गर्मी में खड़े होकर ही करनी है, नहीं ऐसा नहीं है। फैन ऊपर चल रहा है और आप रूम में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है हमारी हाउसवाइफ को, क्योंकि वो मोस्टली इस चीज़ को लेकर परेशान रहती हैं कि गर्मी में किचन में खड़े होना कितना मुश्किल रहता है ना। तो इस तरह से आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यस, मैं फिर से कहूँगी एक बार, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप अपने किचन के लिए अगर कुकर देख रहे हैं तो हमारे पुराने ज़माने के कुकर को ज़रा एक साइड में कर दीजिए, और ये हमारा आज की जनरेशन का ये जो कुकर है आपका 11-in-1 फंक्शन वाला रोबो कुक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है, इसको आप आजमा के देखिए, आप पूरा सेटिस्फाई होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजीली आप हैंडल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं और आप इसको बाय कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी,
बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपको भी पता है कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिखाती, जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वही आपको दिखाती हूँ, तो यही उनमें से अच्छा है, आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आपको मैंने तो। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।